जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रैवल फ्रेंड की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उमर और मेरे साथ कैमरामैन है आसिफ साहब। आज हम आपको शबे बरात के मौके पर जो चीज़ें बनती हैं, ख़ास तौर पे हलवा पूड़ी और उसके साथ चने और आलू की भुजिया, वो हमने इंशाल्लाह तैयार करनी है और वो आपको बताएंगे कि कैसे तैयार होती है। हमारे साथ उस्ताद मकसूद साहब बैठे हैं और सारा कुछ तैयार हो रहा है, आएँ आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है जी? ठीक हो सर? थोड़ा सा हमें बताएं कि ये आप क्या कुछ बनाएंगे और कैसे बनेगा? जी हलवा पूड़ी बनाएंगे, आलू की भुजिया बनाएंगे, चने बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। ठीक हो गया। पहले क्या चीज़ बनेगी? पहले इसका मसाला बनेगा भाई, पहला चने का बनेगा, फिर आलू की भुजिया का बनेगा, फिर हलवा बनेगा। तो क्या कुछ डलता है जी आलू की भुजिया में? बता दें हमारे व्यूअर्स को, कुछ लोग घरों में बनाना चाहते हैं आलू की भुजिया में। अब प्याज सबसे पहले तो प्याज डालता है। ठीक हो गया। ये आयल डालता है। ठीक है। दड़ा मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, मेथी, कलवंजी, मेथी। ठीक हो गया। ठीक है। अचार, अचार, अचार डालता है। जी जी जी, ये मेन चीजें हैं। जी जी मेन। और उसमें आपके जो चने होते हैं उसमें क्या कुछ डाला जाता है? उसमें सिर्फ अचार नहीं डालना, बकाया वो ही चीज है। सारा कुछ हो गया। और कितना टाइम लगता है जी इसको पकने में? आधा घंटा लग जाता है जी, आधा घंटा। उसके बाद फिर आपने हलवा एंड पे तैयार करना है। जी जी। बताएं कि पूड़ियों के लिए क्या कुछ चीज होता है? पूड़ी लिए, पूड़ी के लिए नमक, घी, फैन। ठीक होगा जी। और ये कैसे आप गूंथते हैं उसको, कैसे बनाते हैं? क्योंकि घर में तो पूड़ी नहीं बनती। ये मैदा ही गूंदने के लिए कोई खास चीज क्या है जिसकी वजह से आपकी पूरी तैयार हो जाती है? लोग अक्सर घर में तैयार करते हैं लेकिन नहीं बनती पूरी, उस तरह नहीं बनती भजन, वो ऐसे है ना, रोटी बन जाती है। जी जी। उसमें हल्का जो घी डाल लें, मैदा गूंदने, मैदा गूंदते हुए बीच में घी डाल लें, घी डाल लें, उससे फिर टाइम दे दो पेड़े करके। ठीक है। 24 घंटे नहीं, घंटा दो घंटे। जी जी। वो मैदा, मैदा डाल दिया, बाकी पूरी तैयार हो गई। बस उसके बाद पूड़ियाँ तैयार होनी शुरू होती हैं। जी जी। के बाद का जो प्रोसेस है वो है पानी इसमें ऐड करना। ये भी पानी इसमें ऐड किया जा रहा है मैदे के अंदर, और साथ में इन्होंने ऑयल वगैरह इसमें ऐड किया। ऑयल ऑलमोस्ट इन्होंने 1 लीटर के करीब डाला है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं दूसरे पतीले में भी इन्होंने पानी डाला है, और साथ में ऑयल मिक्स करने लगे इसमें भी। पतंग चूँकि हमारे पास कम थे तो ये कढ़ाई के अंदर भी इन्होंने जो है ना ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं। पतीले में भी इन्होंने ऑयल ऐड कर लिया और ये कढ़ाई में भी ऑयल इन्होंने ऐड कर लिए। अच्छे से इस मटेरियल को मिक्स कर लेना है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। डाल दिए, ऑयल इन्हें लगा दिया था पहले से, और ये इनकी स्पीड चेक करें। ये पेड़ों के स्पेशल सांचे मिलते हैं जी बाजार से, ये लास्ट टाइम हम खुद परचेज करके लेके आए थे, ये हमें मिला था 170 रुपए का एक।
और आप इसका रेट का कोई अंदाज़ा नहीं। आप जाएंगे पीर वदाई रावलपिंडी से, आपको मिल जाएंगे बासानी। ये हम लेके आए थे तकरीबन 18 सांचे लेके आए थे, तो इसमें भी ये पुड़ी का जो है ना सामान तैयार किया हुआ है, जो आटा वगैरह हम बोलते हैं। और ये भी फाइन आटा ना, ये सारा काफ़ी मेहनत वाला काम है जी। तो देखना पेड़ा ज्यादा बड़ा ना होवे, नहीं ना पराठा बन जाए। एक साइज के पेड़े बनाना भी फन है जी। ये देख लें आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मखसूस तौर एक ही साइज के पेड़ वगैरह बना रहे हैं जी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी ये कढ़ाई में इन्होंने ऑयल वगैरह डाल दिया, अपना सही गर्म हो जाएगा जिस टाइम, तो उसमें मज़ीद देखते हैं ये भी क्या डालेंगे। ये प्याज है इनके हाथ में, ये प्याज इन्हें डालिए। बाकी के मसाला जात भी साथ ले आए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला तैयार होने जा रहा है जी। ये काली मिर्च को ग्राइंड किया जा रहा है, ये भी तीनों के मसाले में ये भी डाला जाएगा जी। ये काली मिर्च है, ये इसे ग्राइंड करके बारीक किया जा रहा है, पिसा जा रहा है जी। ये भी लाइट ब्राउन है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये भी इसमें पेस्ट डलने लगा जी, अदरक लहसुन और सबल मिर्च का। ये पहले से आज ने तैयार करके रख लिया था, लहसुन और सबल मिर्च का ये पेस्ट पहले से बनाया था, ये फिर और ऐड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में था इनके पास, ऑलमोस्ट ये रेसिपी जो है ये 25 किलो चने जो है ना ये हम मार्केट से लाए थे, तो ये उसके लिए बन रहा है। हर काम के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं चस आ जाता। तो उस्ताद जी ने बताया कि ये चनों का और आलू की भुजिया का ये सेम मसाला वही होगा, बस उसने ये डिवाइड कर लेंगे और आधा चनों में चला जाएगा मसाला और आधा जो है वो भुजिया में आ जाएगा आलू की। ये भी उस्ताद जी इसमें ऐड करने लगे हैं जी, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये देखते थे जिसे हम अपनी लोकल जबान में दड़ा मिर्च भी बोलते हैं जी। ये कितनी थी दड़ा मिर्च? ऑलमोस्ट ये आधा किलो ने डाली है जी, और ये 1 kg का ये पैक है लाल मिर्च का। ये भी उस्ताद जी ने आधा तो हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में पैकेट। लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर लिए जी, ये कलर कितना ज़बरदस्त किस्म का। ये हल्दी, इसमें हल्दी पाउडर आ गया जी इसमें। अभी तक इसमें 3 मसाले ऐड हो चुके हैं जी, एक लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च होती है, हल्दी का ये आधा किलो का पैकेट था। लेकिन ये कलर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर। अभी इसमें ये काली मिर्च जो ग्राइंड कर ली थी, अभी इसमें टमाटर ऐड होने लगे हैं जी, ये जो पहले से काट लिए थे उस्ताद जी ने,
ये टमाटर ऐड कर लिए, ये प्याज जो फ्राई किए थे ये बीच में ऐड करने लगे थी, जिसमें सब मसाले वगैरह डाल दिए तो इसमें एंड में प्याज मैंने ऐड किया, बीच में दही ऐड करने लगे हैं जी। उस्ताद जी कितना दही डाल रहे हैं इसमें? ये 2 kg इसमें दही को ऐड कर लेंगे। सारी का मकसद किए हुए दही का, ये उस्ताद जी डाल रहे हैं, जायका इसका जो है ना अलग सा आएगा। इसका एक कश्मीरी लाल मिर्च होती है, उस तरह का कलर इसमें अभी आ गया जी, बिल्कुल फ्रेट ऊपर की तरफ आ गया जी। मीन्स की मसाला इनका रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। जैसा कि आपको बताया था रात के टाइम में मसाला तैयार कर लिया था मकसूद उस्ताद ने, तो ये भी चने वगैरह जो डिवाइड कर रहे हैं, ये तो देखो मैंने डिवाइड कर लिए चने को पीस में, जो रात के टाइम जो हमने मसाला तैयार कर वो उसमें ऐड कर दिए। ये देखने के पीछे आलू की भुजिया में ये मैंने डाला, तो ऑलमोस्ट ये रेडी है, 10 से 15 मिनट में ये ओके हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो हमारा पूरी तैयार हो गया था, इन शाला पूरी तैयार हो गई आपको। कलौंजी ऐड कर दी है, आधा पाव, और इसमें क्या क्या ऐड करते हैं ये सारी इन्होंने मिक्स कर दी है। ये लादा रखनी है छोले हैं जनी पानी यार, वो डन हो चुका है, बस इसे बॉयल देना है इन्होंने, ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। कलौंजी पे ही होते मंगा लेंगे। शुक्रिया यार, स्टार्ट हो गई है पकौड़े को मैंने घी में डिप की है, साथ ही इसे बोलते ठपाई, ये भी ठपाई कर रहे हैं इसकी, ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, पूरी तैयारी खस्ता है, तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान।